नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी में फंदे से लटका मिला महिला का शव। मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। मृतका के पति व सास फरार, ससुर एवं भैसुर को पुलिस लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। अब समाचार विस्तार से। पूर्णिया जिला के बनमनखी नगर परिषद वार्ड नंबर 9 में फंदे से लटका एक महिला का शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु पूर्णिया भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान पूजा कुमारी उम्र 22 वर्षीय पति कन्हैया दास के रूप में किया गया है। घटना के संबंध में मृतका के पिता कटिहार जिला के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरैया वार्ड नंबर 7 निवासी परमानंद दास के अलावा भाई एवं माता ने कहा कि गत 7 दिसंबर 2022 को करीब 20 लाख रुपये खर्च कर बनमनखी स्टेशन रोड निवासी कन्हैया दास पिता अभिनंदन दास के साथ लड़की की शादी हिंदू रीति रिवाज के तहत धूमधाम से की थी और दहेज के नाम पर ढेर सारा रुपया भी दिया गया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा पुनः कुछ न कुछ बहाना बनाकर रुपए की डिमांड करने लगा। इस दौरान उन्हें 2 बार में 58,000 रुपए भी दिया गया। हाल के दिनों में ही दामाद के द्वारा दहेज के रूप में एक कार का डिमांड किया गया था, जिस पर उन्हें भरोसा भी दिया था कि अभी हाथ खाली है, रुपया होने पर कार भी देंगे। लेकिन इस बीच मेरी बेटी को दामाद कन्हैया दास ने अपने माता पिता एवं भाई बहन के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या किया, फिर हत्या को आत्महत्या में परिवर्तन करने के लिए फंदे से शव को लटका दिया। अब खेल देखिए। ससुराल के परिजन ही थाना जाकर कहा कि मेरे यहाँ ऐसा घटना हो गया है। लड़की पक्ष ने प्रशासन से हत्या में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग किया है। इधर सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी पूरे मामले गंभीरता से जांच पड़ताल किया। इस संबंध में पुअनी वरुण कुमार झा ने कहा कि फोरेंसिक टीम जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया यह घटना हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस कांड का सही खुलासा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजन के लिखित आवेदन पर आरोपी मृतका के ससुर अभिनंदन दास एवं भाई मुकेश दास को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ हैं MS परदेसी। इस तरह की खबर के लिए आप YouTube पे सर्च करें MS परदेसी, परदेसी हाजिर होगा। किसी को अंदर नहीं जाने दीजिए, नहीं जाने दीजिए। हमको आदेश है, जब तक किसका आदेश है आप जाइए थाना से। किसका आदेश है? थाना का आदेश। किसका आदेश है? हम ही मर्डर हुआ। अरे क्या, तीन दिन हुआ मर्डर हुआ। लड़की का भाई है, ये अंदर जाना है, उसको नहीं जाने दीजिएगा। बोल के गया है कि यहाँ हम लोग जब तक बड़ा नहीं आते हैं तब तक आप लोग किसी को अंदर यहाँ बाहर में। हटिए, आप इधर हटिए। को फांसी में लटका के मार दिया। अच्छा, कौन मार दिया? कन्हैया कुमार अभिनंदन दास, निशा कुमारी और कुमार मुकेश कुमार मार। अच्छा। दिया कल शाम में ही मार दिया। और हमको आज सुबह वार्ड मेंबर साहब फोन किए। अच्छा, कि आपका बहन को फांसी लटका के मार दिया और ये लोग मार के घर लॉक करके भाग गया। अच्छा। और दो आदमी पुलिस के वहाँ पे है, उसका बाप और भाई। अच्छा, लड़का कहाँ भाग गया? फोन लगाते, फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं उठा रहा। और हमको यह हत्या का मतलब। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी हुआ था 2022 में दिसंबर में। 2022 दिसंबर में। हाँ, तब से यहाँ रह रही। हाँ, रह रही थी। अच्छा, बीच में आपकी बहन कोई प्रताड़ित का कोई खबर भी बताया? 3-4 बार मतलब पैसा मांगा, 20 लाख कैश दिए थे, एक तो अपाची बाइक, एक तो औटी चैन, और 28 तारीख को मांगा 50,000 रुपया उसको दिए। कल हमको फोन, कल की 8 दिन पहले हमको बोला कि ये को अल्टो दीजिए, काम है, अल्टो लेंगे नहीं तो आपको बहन को मार देंगे। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ। क्या नाम है बहनोई का आपका? कन्हैया कुमार दास। अच्छा, ये और बताए आप लोग का घर कहाँ? मेरा घर कटिहार जिला खिरिया पंचायत कोरा प्रखंड। कोड़ा प्रखंड जी। आपका पिताजी का नाम? परमानंद दास। परमानंद दास जी। कौन कौन आदमी आए हैं यहाँ पर?
हमारे भाई पापा दोस्त मुखिया जी सरपंच साहब सब आदमी आए, सभी आदमी थाना गए जी, थाना गए हैं। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।